तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं एल्विस यादव और थाराभाई जोगिंदर के बारे में। तो एल्विस यादव उनके रिसेंट वीडियो में थाराभाई जोगिंदर को रिप्लाई किए थे। एल्विस यादव थाराभाई जोगिंदर को क्यों रिप्लाई किए थे इसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। तो फिर उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए थाराभाई जोगिंदर एक इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट किया, जहाँ पर उन्होंने एल्विस यादव को रिप्लाई करते हुए लिखे, रुक जा तेरा सिस्टम में ही पा दूंगा, अब देखता हूँ कौन तेरी सपोर्ट में आता है। तो फिर इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एल्विस यादव थाराभाई जोगिंदर को कॉल किए थे, तो वो वाला पार्ट आप लोग भी देखिए। हेलो हेलो, हाँ भाई, सिस्टम के इन्वेंटर, क्या मन में आ रही है ये बताओ। और हमारे का मन में आएगी यार, हम तुम्हारे दोस्त भाई ना है क्या? अरे भाई तो है, फिर भी यार बार बार वही बसुड़ी वही बात बोलना कि भाई एड्रेस लीक करूं के ओ ऐड। ओ यार तुम्हारा एड्रेस लीक करेंगे हम, कोई क्या बात कर दी यार। अगर सिस्टम वाली बात ना होती हम तो कुछ कहते ना, और हमने कौन सी लड़ाई झगड़े में कह दिया, ऐसी कही हमने तो प्यार मोहब्बत में। हाँ भाई और क्या। अच्छा चल कोई ना भाई, ओके भाई, मेरे तो बता दे भाई, मिलोगे तुम बड़े आदमी हो गए हो भाई, बड़े तो तुम हो, तुम बताओ कहाँ मिलना है, कब मिलना है भाई। तुम्हारा घर है यार, तुम्हारा घर है, जब मर्जी आ जाओ। सिस्टम के साथ मिलोगे भाई में मिलोगे और भाईचारे में मिलेंगे, सिस्टम क्या होता। अब बात करते हैं UK07 राइडर के बारे में। बहुत सारा लोग UK07 राइडर के कमेंट सेक्शन में भाभी भाभी कमेंट कर रहे थे, उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए UK07 राइडर कुछ ये कहा। गाइस मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग ना ये कमेंट कर रहे हैं कि भाभी भाभी, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि हम लोगों का इकरा क्या हमारा रिश्ता, ये सब चिच्ची बताओ। दोस्त, हाय दोस्त, हाय दोस्त, जिस दिन होगा ना कुछ ऐसा कुछ होगा, मैं खुद पब्लिकली आके बताऊंगा। एक बार बताया था तुम बताइए, ऐसा कुछ नहीं कि मैं चीजें पर्सनल कर रहा हूँ, बट जो है वो है। नेक्स्ट न्यूज मनोज दे के बारे में। मनोज दे एक ट्वीट किया है, जहाँ पर उन्होंने लिखे, यूट्यूब ब्लॉगर्स का अभी एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, एक मस्त सुपर बाइक लो 25-30 लाख का, फिर उससे 50 कंटेंट निकालो, फिर 50 कंटेंट से मिलेगा लाखों पैसा, फिर उस बाइक को 4-5 लाख लॉस करके सेल कर दो, हो गया ना मस्त बिजनेस। कौन ऐसा करता है बताओ कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं अमन धत्रवाल के बारे में। आप लोगों को पता होगा रिसेंटली अमन धत्रवाल श्रद्धा दीदी को एक इवेंट पे प्रपोज किया, तो उसी के बारे में अमन धत्रवाल एक वीडियो अपलोड किया, जहां पर उन्होंने इसके बारे में कुछ ये कहा। और पंजाब, पंजाब से ज्यादा एनर्जी कहां। हमने कहा एक सरप्राइज रखते हैं, आपकी श्रद्धा दीदी का पंजाब में था सेमिनार, उनको कोई आइडिया नहीं था। हमने कहा 13 फरवरी में जाते हैं, आगे 4-5 हज़ार बच्चे बैठे होंगे, एकदम से सरप्राइज करेंगे और कुछ मेमोरेबल हो जाएगा। हमारे बच्चे जिनके साथ हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, वो सारे बच्चे सामने बैठे होंगे और स्पेशल हो गया, यूनिक हो गया, मेमोरेबल हो गया, और कोई एक्सपेंस भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जो केक भी था वो बच्चे लेकर आए थे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।